नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेजी कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, जो कि 2018 के सबसे चर्चित प्रश्न है। इसमें मैंने जनवरी से लेकर के पूरे दिसंबर तक का करेंट अफेयर्स इंक्लूड करा है, जिसमें से टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं वो हैं जो आने वाले एग्जाम जैसे कि एस एस सी सी जी एल स्टेनो GD वगैरह के लिए, या फिर आने वाला अपकमिंग जैसे रेलवे है या फिर बैंकिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम लोग बहुत ही इजी वे में पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। चलिए हमारा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में हाल ही में नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, यह टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। सेकंड है, इस मिसाइल का निर्माण देश में ही DRDO ने किया है। तीसरा है, इस मिसाइल की मारक क्षमता 8 किलोमीटर है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, मतलब कि जो तीनों पॉइंट दिया हुआ है तीनों एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो इसको और एक्सप्लेन में देखिए, भारत ने 28 फरवरी को टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल लाकर सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण रेगिस्तानी परिस्थितियों में किया गया। इस मिसाइल को दो टैंक रूपी लक्ष्यों पर अलग अलग दूरी से दागा गया। इसका निशाना सटीक तथा अवैध रहा। इसके साथ ही नाक के सभी परीक्षण पूरे हो गए हैं और यह सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है। इस मिसाइल का निर्माण देश में ही रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने, मतलब कौन सा किया है, DRDO ने किया है, DRDO ने ही किया है। इसका मतलब पूर्ण रूप से क्या है, खुद के स्वयं के देश में बनाया हुआ है यह मिसाइल है। कैसा मिसाइल है, ये गाइडेड मिसाइल है। देखिए, टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। पूछा जा सकता है कि नाक कैसा मिसाइल है, तो टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वे किस पीठ के शंकराचार्य थे? तो किस पीठ के शंकराचार्य थे, कांची कामाकोटी पीठ के वो शंकराचार्य थे। चलिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित सांची कामाकोटी पीठ के 69वें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का 28 फरवरी की निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। जयेंद्र सरस्वती के बाद अब कौन, विजेंद्र सरस्वती, इसको याद कीजिएगा, विजेंद्र सरस्वती उनका स्थान लेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है नए राजदूत, तो हैं हम लोग का विनय कुमार को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में IBPS स्नूकर विश्व कप का खिताब किसे पराजित किया, मतलब पाकिस्तान को हरा करके क्या किया, IBPS स्नूकर विश्व कप भारत ने जीता। किसने जीता, भारत ने जीता, किसको पराजित करके, तो पाकिस्तान को हरा करके ये विश्व कप जीता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका और एक्सप्लेन देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से। भारत ने IBPS स्नूकर विश्व कप का खिताब जीत लिया। 2 मार्च को खेले गए इस प्रतियोगिता के फाइनल में पंकज आडवाणी और मनन चंद्रा की भारतीय जोड़ी ने पाकिस्तान को पराजित कर यह खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ आडवाणी के विश्व खिताब की संख्या कितनी हो गई है, 19 हो गई है। तीसरे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो है पंकज आडवाणी के विश्व खिताब की संख्या कितनी हो गई है, पूरी 19 हो गई है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम संबंधों के संदर्भ में किन निम्न कथनों पर विचार करें, दिया गया कथन इसमें बताना है कौन सही है या फिर कौन गलत है। फर्स्ट है, वियतनाम के राष्ट्रपति चर्न दाई कुआंग ने हाल ही में भारत की यात्रा की है। सेकंड है, भारत और वियतनाम के बीच हाल ही में 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तीसरा है, दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में समझौता हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है लास्ट वाला, मतलब कि जितने भी तीनों पॉइंट दिए हुए हैं तीनों पॉइंट क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट है, यह प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में खेला गया था। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 8 पदक जीते। फिर थर्ड वाला, इस प्रतियोगिता के पहले स्थान
पहले तीन स्थान पर क्रमशः कौन थे? चीन, ईरान और भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है केवल दो, मतलब कि सिर्फ ये ही पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसका और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। दिया हुआ है एशियाई कुश्ती यानी कि रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 प्रतियोगिता का चार मार्च को समापन हो गया। इस वर्ष यह प्रतियोगिता कौन से देश में? किर्गिस्तान के बिश्केक में 27 से 4 मार्च तक खेला गया। भारत इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य सहित 8 पदक जीते हैं। ठीक है, और 9वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? तो 9वें स्थान पर रहा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। पहले तीन स्थान पर क्रमशः चीन, ईरान और उज्बेकिस्तान रहा। फर्स्ट पे कौन रहा? चीन। दूसरे पे ईरान। थर्ड पे कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में निर्वाचित पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर हाल ही में बनी है। कौन बनी है? कृष्णा कुमारी कोल्ही। कौन बनी है? कृष्णा कुमारी कोल्ही। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने वर्ष 2018 के रक्षा खर्च में 8.1% की वृद्धि किया है। इस वृद्धि के बाद चीन की रक्षा बजट कितना हो गया है? 175 अरब डॉलर है। कितना है? 175 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, तो भारत के आसपास देश से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90वें एकेडमी अवार्ड्स जो कि कौन है? ऑस्कर पुरस्कार के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, फर्स्ट है, लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। सेकंड है, इस वर्ष सर्वेस्ट फिल्म का पुरस्कार द शेप ऑफ वाटर ने जीता। कौन? द शेप ऑफ वाटर ने जीता। फिल्म द शेप ऑफ वाटर ने कितने? 4 अवार्ड्स जीते। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो मतलब ये तीनों ऑप्शन जो भी दिया गया है बहुत पूरी तरह से सही है। तो हम लोग ऑस्कर 2018 के बारे में क्या जाने कि ये लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। बेस्ट फिल्म किसको मिला? द शेप ऑफ वाटर को। वो किसने कितने अवार्ड्स जीते? 4 अवार्ड्स जीते। तो चलिए इसका अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 5 मार्च को 90वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में फिल्म द शेप ऑफ वाटर ने सर्वेस्ट फिल्म सहित सर्वाधिक 4 अवार्ड्स जीते। इस फिल्म को 13 कैटेगरी में नामित किया गया था। 90वें अकादमी पुरस्कार समारोह के स्मृति खंड में भारतीय कलाकार शशि कपूर और श्रीदेवी की श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग हवाई अड्डों की रैंकिंग तय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल ने सेवा गुणवत्ता के मामले में किस हवाई अड्डे को दुनिया का शीर्ष स्थान दिया है? तो कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, किसको मिला है ये अवार्ड? दिल्ली को मिला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इस साल भारत की 8 महिलाओं का नाम शामिल किया है। इस रैंकिंग में निम्न में से किस भारतीय को पहला स्थान दिया गया है? कौन सा पहली भारतीय महिला है? तो सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए नए ग्रेड A+, कौन है? A+ बनाई है। इस ग्रेड में निम्न से कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है? कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है? तो कौन है? MS धोनी को A+ ग्रेड में शामिल नहीं किया गया। चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। दिया हुआ है, BCCI ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए साल 2018 के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट फीस का ऐलान किया है। BCCI ने इस बार मौजूदा ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के अलावा एक नए ग्रेड कौन है? A+ भी बना दिए थे। इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा नया ग्रेड बनाया गया है। तो A+ बनाया गया है BCCI द्वारा। ठीक है, नए कॉन्ट्रैक्ट फीस के अनुसार A+ ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना कितना करोड़? 7 करोड़। कितना? 7 करोड़ रुपया मिलेगा। इस ग्रेड में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया वो कौन कौन है? देखिए यहाँ पे कौन कौन खिलाड़ी शामिल हैं, विराट कोहली हैं, उप कप्तान रोहित शर्मा हैं, शिखर धवन, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह। इसके बाद ग्रेड ए में रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, MS धोनी और रिद्धिमान साहा शामिल है। इन खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ रुपया रिटेंशन फीस मिलेगी।
ठीक है, तो कितना मिलेगा इन लोगों को, 5 करोड़। ए प्लस वाला को कितना मिलेगा, 7 करोड़, और ए ग्रेड वाला को मिलेगा 5 करोड़ रुपया मिलेगा। चलिए ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता था, किस तिथि को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित प्रिजकर पुरस्कार 2018 के लिए नामित किए गए हैं, कौन से नामित किए गए हैं, बाल कृष्ण दोषी को ये पुरस्कार मिला है, प्रिजकर पुरस्कार 2018। चलिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। भारतीय आर्किटेक्चर बाल कृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार है, प्रिजकर पुरस्कार 2018 के लिए नामित किया गया, मतलब इनको पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, दोषी भारत के पहले ऐसे शख्स है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, कौन है, बाल कृष्ण दोषी पहले ऐसे भारतीय शख्स है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया, कौन सा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किन्हें मिला है, सुरेश प्रभु जो कि हमारे पूर्व रेल मंत्री थे उन्हें यह प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, चलिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर कैबिनेट मंत्री सुरेश श्री प्रभु को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार सौंपा। यह जिम्मेदारी उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से तेलुगु देशम पार्टी के अशोक गजपति राजू ने इस्तीफा देने का अन्य मंत्रालय का प्रभार श्री प्रभु को सौंपा। किसने इस्तीफा दिया है, अशोक गजपति राजू। उसके बाद किसे मिला, सुरेश प्रभु को मिला। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए, कौन से नियुक्त किए गए हैं, सीतांशु कार, कौन है, सीतांशु कार हम लोग का आंसर होगा। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सीतांशु कार को अगला प्रधान सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह फ्रैंक नरोन्हा का स्थान लेंगे, किसका, फ्रैंक नरोन्हा का। ठीक है, वह 30 अप्रैल को सेनावृत्ति होंगे और कार्यभार 1 मई को कार्यभार संभालेंगे। कार्यभार अभी आकाशवाणी समाचार महानिदेशक हैं, दूरदर्शन समाचार महानिदेशक ईरा जोशी को आकाशवाणी समाचार का भी महानिदेशक बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के नव नियुक्त विदेश मंत्री कौन है, तो कौन बनाया गया है, माइक पोम्पियो को अमेरिका के नव नियुक्त विदेश मंत्री बनाया गया है। चलिए इसको अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत ने देश से तपेदिक टीबी मतलब टीबी बीमारी है को पूरी तरह ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, कब तक लक्ष्य रखा है, 2025 तक इसको ख़त्म करने का भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से तपेदिक यानी कि टीबी ख़त्म करने के अभियान को 13 मार्च को नई दिल्ली में शुभारंभ किया। वर्ष 2025 तक भारत से तपेदिक टीबी ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य वैश्विक स्तर पर निर्धारित समय सीमा 2030 से 5 वर्ष पहले समाप्त कर लिया जाएगा। कहाँ तक, 2025 तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारतीय हॉकी टीम कप्तान है, कौन कप्तान है, मनप्रीत सिंह को गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2018 के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह प्रतियोगिता मैक्सिको के ग्वादलहारा में किया गया था। दूसरा है, भारत 9 पदक जीतकर संयुक्त रूप से चीन के साथ
तीसरे स्थान पर रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, भारत के रिजवी शाहजार ने 10 मीटर शूटिंग प्रतिस्पर्धा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो कौन सा इसमें ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, बी दो नंबर कौन सा है, ए वाला यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ISSF निशानीबाजी विश्व कप का 12 मार्च को समापन हो गया। इस विश्व कप में भारत ने कितने पदक, 9 पदक जीते हैं, शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, यह प्रतियोगिता मैक्सिको के ग्वादलहारा में किया गया था। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, भारत ने टूर्नामेंट में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 9 पदक, कितने 9 पदक जीते, जो उसका विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। ठीक है, इस विश्व कप में 6 पदकों के साथ अमेरिका को कितना मिला 6 पदक के साथ अमेरिका, 5 पदकों के साथ चाइना कौन, 5 पदकों के साथ इंडिया कितने पर रहा है, 9 पदकों के साथ फर्स्ट नंबर पर शीर्ष रहा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का हाल ही में निधन हो गया, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है, भौतिकी के प्रोफेसर रहे स्टीफन हॉकिंग की गिनती आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्रियों में होती है। और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, थर्ड है हम लोग का, श्री हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी और सापेक्षता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया, तो इसमें से कौन सत्य है, तो ये तीनों जो है ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है तीनों क्या है, राइट है, मतलब सत्य है। तो तीनों को बहुत अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है। और ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री टाइम स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है, ब्लैक होल बिग बैंग थ्योरी सापेक्षता ये सब कचिए स्टीफन हॉकिंग के द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्रियों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, तो इनका अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो दिया हुआ है, दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 13 मार्च को निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। श्री हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में आज जनवरी 1942 को हुआ था। 1963 में उन्हें मोटर न्यूरॉन की बीमारी थी। उनके शरीर पर कई हिस्सों पर लकवा मार गया था, जिससे वो हमेशा व्हीलचेयर पर रहते थे। ठीक है, उन्होंने देखिए यहाँ पे उनके बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है, स्टीफन हॉकिंग को अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार, वुल्फ पुरस्कार, कोपले मेंडल फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में आई उनकी आई फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग उनके जीवन पर आधारित थी। कौन सी फिल्म थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचन हुआ, किसका निर्वाचन हुआ, विद्या देवी भंडारी का निर्वाचन हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में हुआ। चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर चुन लिया गया है। श्रीमती भंडारी वाम मोर्चे की उम्मीदवार थी। उन्हें नेपाली कांग्रेस की उम्मीदवार लक्ष्मी राय को 2/3 बहुमत से हराया। श्रीमती विद्या देवी भंडारी 2015 में नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व बैंक की हाल ही में जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का अनुमान कितना है, 7.3% GDP हम लोग का नेक्स्ट ईयर 2018-19 में रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। दिया हुआ है, विश्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि 7.3% और 2019-20 में 7.5% होने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक की द्विवार्षिक रिपोर्ट में आशा व्यक्त की गई है कि 31 मार्च को समाप्त चालू वित्त वर्ष 2017-18 में अर्थव्यवस्था 6.7% कितना रहेगा, हुआ 6.7% की विकास दर हासिल कर लेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि 8% से ज़्यादा वृद्धि दर हासिल करने के लिए सुधार जारी रखने होंगे और ऋण तथा निवेश संबंधी मुद्दे हैं उसको क्या होंगे, सुलझाने होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व हिंदी सचिवालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी सचिवालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, पोर्ट लुइस में किया गया। इसको और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग,
राष्ट्रपति ने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय का 13 मार्च को उद्घाटन किया। सचिवालय हेतु पूर्ण वित्तीय सहयोग द्वारा भारत द्वारा दिया गया है कि जिसमें करीब 33 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। इस अवसर पर श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदी ने भारत और मॉरिशस के साहित्य और आपसी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं हिंदी के विस्तार में मॉरिशस में भारतीयों की अहम भूमिका रही है। चलिए फिर हो गया ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का की रिजॉल्व एंड फॉल ईगल संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल के दिनों में चर्चा में रहा। इस सैन्य अभियान में शामिल देश हैं, कौन कौन शामिल देश हैं? दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर के कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? की रिजॉल्व एंड फॉल ईगल, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस क्रिकेट टीम को पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे का दर्जा हाल ही में दिया गया? कौन सा देश को मिला है ओडीआई खेलने के लिए? नेपाल को मिला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, 15 मार्च को निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए, चीन में हाल ही में हुए शीर्ष पदों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सत्य है? फर्स्ट है राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन का बनाया गया, उपराष्ट्रपति वांग किसान या और फिर प्रधानमंत्री ली केकियांग। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा ही, यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या है, तीनों पॉइंट जो दिया गया है वो करेक्ट है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उपराष्ट्रपति वांग किसान, प्रधानमंत्री ली केकियांग है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपीरी द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है कौन सा? सबसे बड़ा खरीदार देश है भारत, मतलब इंडिया हमारा देश है जिसने क्या है सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत हासिल की। पुतिन का नया कार्यकाल रहेगा, कब तक रहेगा? 2024 तक नया कार्यकाल रहने वाला है व्लादिमीर पुतिन का, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। चलिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, दिया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत हासिल की है। मतदाताओं ने उन्हें भारी मतों से जिताकर अगले 6 साल के लिए वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो रूस में है पर राष्ट्रपति के राष्ट्रपति कितने साल तक रहते हैं? 6 साल तक रहते हैं, ठीक है। 6 साल के लिए एक बार फिर से देश का राष्ट्रपति चुन लिया है पुतिन। चौथी बार देश की कमान संभालेंगे। पुतिन ने कितना? 75% वोट हासिल किए हैं। पुतिन का मुकाबला 7 अन्य उम्मीदवारों के साथ है, ये उतना पढ़ने में बोरे नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, हाल ही में खेले गए निदहास्ट 2020 क्रिकेट ट्रॉफी के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे देखिए, इस ट्रॉफी का फाइनल कंडी श्रीलंका में खेला गया। कहाँ पे? कंडी, श्रीलंका कोई जगह, कंडी वहाँ पे खेला गया। भारत के दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया। फिर है एक भारतीय टीम ने इस ट्रॉफी के सभी मैच में जीत दर्ज की। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है? सत्य है, तीनों ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में संपन्न 3 दिवसीय वार्षिक कृषि उन्नति मेला 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रहों द्वारा लिए गए भू निरीक्षण आंकड़े साझा करने के लिए भारत ने किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में साझा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना के तहत दिए जाने वाले वित्तीय लाभ को 75,116 रुपया से बढ़ाकर 1,116 रुपया किया गया। यह योजना किस सरकार की है, किस राज्य की है, ठीक है। तो कौन सा राज्य का है? तेलंगाना राज्य का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 18 नाम का संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास भारत के साथ किस देश, भारत के साथ कौन सा देश हिस्सा लेता है, ठीक है। कौन है? वरुण 18 भारत के साथ कौन है? फ्रांस इसके साथ नौसैनिक अभ्यास करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय अनौपचारिक बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया। कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग, ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार इस एग्ज़ाम में
तीन से चार बार पूछा भी गया है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें कथन दिया हुआ है, देखिए आयुष्मान भारत दुर्घटना बीमा से संबंधित है। सेकंड है, इस योजना में दुर्घटना के तहत मौत की स्थिति में उसके आश्रित को आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इस योजना में 5 लाख रुपये का बीमा देने का प्रावधान है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए तो ऑप्शन नंबर केवल थर्ड यहाँ पे सही है। चलिए इसको और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है इसमें दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 21 मार्च को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत को मंजूरी दे दी। इससे 10 करोड़ से अधिक कितने 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। क्या है योजना, आयुष्मान योजना के बारे में दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये कितना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है। इस योजना का लाभ देश की 40% आबादी यानी कि 50 करोड़ लोगों को मिलेगा। योजना का लाभ बीमित परिवार देश के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं। उन्हें योजना के तहत पैनलबद्ध किए गए हैं। अस्पताल में 5 लाख रुपये तक क्या किया गया 5 लाख रुपये तक का इलाज निःशुल्क मिलेगा, मतलब कि फ्री में मिलेगा। ठीक है, फिर सरकार देश के मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेगी। नए योजना के तहत 3 संसदीय क्षेत्र या फिर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो इस टाइप में क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देखने में एक लग रहा है, लेकिन यहाँ इसमें 2 से 3 पॉइंट आपको कैप्चर हो जा रहा है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसमें एक से बन जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया। सेकंड है, इस मिसाइल को वर्ष 2006 में ही भारतीय नौसेना तथा थल सेना में शामिल किया जा चुका है। थर्ड दिया हुआ है, सुखोई जैसा लड़ाकू विमान से इस मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या है सत्य है, ये जो पॉइंट है इसको रॉन्ग है। तो ये दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 22 मार्च को निम्न से कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, बिहार दिवस या फिर तपेदिक दिवस। तो फर्स्ट और सेकेंड यानी कि दोनों सही है, विश्व जल दिवस और फिर बिहार दिवस दोनों को कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा क्रिकेट टीम विश्व कप 2019 के लिए हाल ही में क्वालिफाई किया है। कौन सा टीम विश्व कप 2019 खेलेगा, अफगानिस्तान खेलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में तपेदिक यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसे पराजित कर जीता है। तो किसको, बी भास्कर को हरा करके पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारतीय दल की ध्वजवाहक होगी, कौन होगी, पीवी सिंधु होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है रेलवे में और फिर एक बार बैंक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने अर्थ आवर मनाया, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवहारिक स्तर पर यह विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। अर्थ आवर आंदोलन की शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। थर्ड है, 24 मार्च को 11वां अर्थ आवर मनाया गया था। इसका सही आंसर कौन होगा, फोर्थ नंबर होगा, मतलब कि तीनों पॉइंट क्या हैं करेक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक 11वां और थावर मनाया गया, इसका शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है, पंजाब में, पंजाब ने इसको इस पदक को स्वर्ण पदक को जीता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, म्यांमार में नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे निर्वाचित किया गया, किसे निर्वाचित किया गया, विन मिंट को म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर कितने राशि का सिक्का जारी करने का घोषणा किया, कितने का है, 350 रुपया का सिक्का जारी करेगा भारत सरकार, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही के दिनों में चर्चित यूपी कोका विधेयक संबंधित है, किससे संबंधित है, संगठित अपराध नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2018 प्रतियोगिता का हाल ही में समापन हो गया, इस प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, दिया हुआ यहाँ पे, फर्स्ट है यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया था, सेकंड है भारतीय चीन और इटली इस प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम तीनों स्थान पर रहे, थर्ड है भारत की मनु भाकर ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक तीन स्वर्ण जीती, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सिर्फ वन वाला ये वाला सही है, इसका आयोजन कहाँ किया था, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया था, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप का 28 मार्च का समापन हो गया, इस वर्ष यह विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया था, भारत ने इस टूर्नामेंट में 9 स्वर्ण 5 रजत 8 कांस्य सहित 22 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, चीन 9 स्वर्ण 8 रजत 8 कांस्य के साथ सहित कुल 25 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि इटली 3 स्वर्ण लेकर तीसरे नंबर पर रहा, युवा भारतीय निशानेबाज मुस्कान ने 25 मीटर स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी के साथ हमवतन मनु भाकर को पराजित किया, मनु भाकर इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 6 स्वर्ण जीती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीति आयोग ने देश में अल्प विकसित कितने जिलों के लिए बेसलाइन रैंकिंग शुरुआत की है, कितने जिलों के लिए, 115 जिलों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हेल्ड टू मैच्योरिटी एचटीएम बॉन्ड की बिक्री में नियमों का पालन नहीं करने के कारण किस बैंक पर जुर्माना लगाया है, ICICI बैंक पर क्या किया है, जुर्माना लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार ने 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए हाल ही में केंद्रीय पैनल का गठन किया है, इस पैनल के अध्यक्ष बनाए हुए, कौन सा अध्यक्ष बना है, शेखर कपूर बने हैं इसका अध्यक्ष। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में जापान में आयोजित 90वें भारत जापान रणनीतिक संवाद बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, किसने प्रतिनिधित्व किया, सुषमा स्वराज ने, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड की शुरुआत हाल ही में की गई है, यह रोड निम्न से किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में स्थित है एलिवेटेड रोड। चलिए इसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च को गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया, यह देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है जो 1248 करोड़ की लागत से तैयार हुई है, इसकी लंबाई 10.30 किलोमीटर है, ठीक है। यह एलिवेटेड रोड यूपी गेट से करहेड़ा तक बनी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह उपग्रह के भीतरी सतह का अध्ययन के लिए वहां अपना पहला मिशन इनसाइट भेजने जा रही है, कौन सा है मिशन इनसाइट कहाँ भेजा गया है, मंगल पे इस मिशन इनसाइट को भेजा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है इस साल एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।